जनपद नैनीताल के हल्द्वानी के चौराहों पर बिना प्लानिंग के लगाई गई 1 करोड़ की ट्रैफिक लाइटें अब हटाई जा रही हैं। बता दें कि इन लाइटों का कभी सही से उपयोग ही नहीं हो पाया है। दरअसल इन लाइटों के पोल टेढ़े हो चुके हैं, इन पर लगी लाइटें पोलों पर झूल रही हैं और कभी भी तेज हवाओं के झोंकों के चलते किसी भी वाहन को अपनी चपेट में ले सकती हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि इस हाईवे से कई अधिकारी कर्मचारी नेता गुजरते होंगे पर उन्हें ये जानलेवा लाइटें आज तक नजर नहीं आई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये ट्रैफिक के लिए मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को अगर किसी कहीं जगह पर उसका फोटो खींच के और उसका करंट लोकेशन शेयर करके व्हाट्सएप नंबर पे उसको शेयर कर देंगे तो उसका हमारे द्वारा चालान कर दिया जाएगा। तो कहना है कि इस छोटे से चौराहे में स्ट्रीट लाइट की पहले जरूरत नहीं थी। इतना ज़्यादा जो है खर्चा करके स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, जाम में स्थिति हुई, उसके बाद इनको हटानी पड़ी। उसके बाद इनको पूरा हटाना चाहिए था, इसकी मरम्मत करनी चाहिए थी। आज स्थिति ये हो रही है कि ये किसी के ऊपर भी गिर सकती है, जान माल का इसका खतरा है। नगर निगम इसकी देखभाल करे। वैसे तो ये पैसा भी मिसयूज हुआ है। इतने चौड़ी रोडें हैं नहीं यहाँ पर जो ये स्ट्रीट लाइट लगाने जाए। इसकी व्यवस्था या तो सुचारू रूप से करी जाए या इसको भी हटा दिया जाए। ये पोल होल जो है किसी कभी दुर्घटना का वो हो रहे हैं, कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। मेरा तो यही कहना है, ऐसा हो सकता है सरकार के पैसों का सब मिसयूज हो रहा है और प्रशासन जागा हुआ नहीं है, खाली अतिक्रमण में लगा पड़ा हुआ है। अरे ये देख नहीं रहे हो, मैं तो खुद यहाँ से घबरा के जाता हूँ। ये कभी भी किसी के सर पे गिर जाए, किसी की गाड़ी पे गिर जाए, नुकसान किसका है? पब्लिक का नुकसान है। और क्या है, रोड है कितनी गंदी है, इनमें सफाई करानी चाहिए। रोड है बना तो रहे हैं लेकिन सफाई कहाँ है? सफाई तो होनी चाहिए। करोड़ों रुपये प्रशासन का इसमें खर्च हुआ है और ये कभी भी किसी के ऊपर एक हादसा हो सकता है बहुत बड़ा, और जिसमें जहाँ ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो जो कि इसको सही करने के लिए कोई भी विभाग इसको देखने नहीं आता है। और मैं 10 बार इस चीज़ की रिपोर्ट कर चुका हूँ।